भाइयों इस वीडियो में हम बात करेंगे Hyundai Astra के बारे में, जो भाई अभी नई लॉन्च होने वाली है 10 जुलाई को होगी। तो मैं आपको स्नीक पीक दे देता हूं शुरू में भाई कैसा कुछ रहता है। तो भाई ये Hyundai ने लॉन्च किया, ये मिड साइज एक मिनी एसयूवी के टाइप में लॉन्च किया, जो भाई जैसे कि टाटा की पंच आती है ना उस सेगमेंट में है ये गाड़ी। तो उसके हिसाब से कुछ इसमें सबसे ज्यादा यूनिक फीचर भी है मैं बताऊंगा जैसे कि आपको। और ये एक मतलब i20 और i10 Nios के बीच की गाड़ी है ये। इस में मतलब ये बीच में, इसमें पेट्रोल भी मिलेगा आपको, CNG भी मिलेगा, AMT मिलेगा, जैसे मैं आगे बात करूंगा। तो चलिए इसके मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे कुछ डिजाइन मिलेगी, तो एक बार आप उसमें चेक करो। और फिर जैसा कि भाई आप सामने देख रहे हो, ग्रिल कितनी अच्छी दी गई है इसकी, दोनों हेडलैम्प को जोड़ रही है, और ये हेडलैम्प भी रेक्टेंगल शेप में दिए गए हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ भाई। और इसका DRS देख पा रहे एच शेप में दिए गए, उसी में आपको इंडिकेटर मिल रहा है, बोनेट पे लोगो दिया गया है आपका, एस्ट लिखा हुआ है आगे भाई, लुक तो शानदार दे रही है। आप पीछे से देख लो आप भाई, पीछे से वो होंडा ही का टिपिकल डिजाइन नहीं दिया गया इसमें, हटा दे नहीं तो भाई रियल लैम्प होता है वो बिल्कुल दोनों जुड़े रहते हैं उसमें भाई, ये एक अलग सी ब्लैक पट्टी दे दी गई आपको, होंडा ही का लोगो उसी में मिल जाता है। और नीचे स्किड प्लेट दी गई है आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा, और ऊपर आपको स्पॉइलर मिलता है हेडलैम्प, और इसमें सनरूफ दी गई है भाई, इस सेगमेंट में सनरूफ दी गई है, फर्स्ट इन सेगमेंट है ये, और इलेक्ट्रिक सनरूफ है विद वॉइस कमांड भाई, वॉइस कमांड दोगे तो वो खुल जाएगी। सबसे बढ़िया फीचर लगा मेरे को ये होंडा ही भाई, फीचर देने में तो आगे होती है आपको पता है। इसका आपको साइड लुक चेक कराता हूँ भाई, ये साइड लुक देखो, इसका साइड लुक में भाई SUV टाइप लग रही है, जहाँ तक ये दिखनी चाहिए भाई मिनी SUV। वही फिर से भाई ऊपर आपको डुबल टोन में दिया गया, ब्लैक शेड मैंने बता ही रहा था आपको। इसके डायमंड कट अलॉयस और देख लो, और पीछे भी H टाइप में ही भाई लैंप दिए गए हैं, वो LED जो जल रही है आपकी फ्रंट देख सकते हो भाई। फिर से इसके साइड लुक देखो एक बार, आप चलते इसके फीचर्स अंदर देखो भाई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है Hyundai का, जो भाई आजकल वेन्यू में आ रहा है। और इसका स्टीयरिंग कंट्रोल्स देख सकते हो, मीडिया के कंट्रोल्स मिल से, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है भाई आपको, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है देख रहे हो। इंफोटेनमेंट में लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो लैंग्वेज मिल रही है सिलेक्शन करने के लिए। TPMS भी दिया गया है इसमें, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और भाई ये आपको गाइड करेगा, मतलब बिल्कुल Hyundai ने एक न्यू लॉन्च किया गया है इसमें, जो गाइड भाई फ्लाईओवर से अपसाइड से लेना या नीचे से लेना है इसलिए। और एक आपको साउंड सिस्टम दिया गया है भाई, साउंड ऑफ नेचर के, जो अलग अलग साउंड में भी बिल्कुल क्वालिटी गाने के हिसाब से साउंड को सेट करेगा। अब इसमें एक और फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर दिखाता हूँ भाई, जो अभी Hyundai ने लॉन्च किया भाई, ये दिया गया है इसमें डैश कैमरा इन बिल्ट, डुबल डैश कैमरा है कैबिन का अंदर और आउटसाइड, फ्रंट में क्या हो रहा है भाई, फ्रंट में भाई एक्सीडेंट होने तो अपनी गलती या दूसरों की गलती उसके हिसाब से जानने के लिए भाई, लीगल प्रूफ के लिए। अब देखो भाई इसका डैशबोर्ड पीछे से लुक कितनी इनहेंस होके आ रही है गाड़ी की भाई, Hyundai फीचर्स लुक भाई इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देती है, सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी Hyundai की ये बात भाई, इसने ध्यान दिया। अब इसके सीट्स की बात कर लेते हैं, स्पेसिंग की बात कर लेते हैं भाई, सामने आप देख रहे हो काफ़ी स्पेस दिया गया है, बढ़िया स्पेस दिया गया है, ओपनिंग भी डोर की काफ़ी अच्छी दी गई है, और आपको हैंड ब्रेक दिख रहा है, आर्म रेस्ट इसमें नहीं दी गई है, ये थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया भाई, Hyundai का कोस कटिंग भी करने लग गई यार। बैक सीट देख सकते हो सॉरी, और हेड रेस्ट एडजस्टेबल है, आर्म रेस्ट नहीं दी गई है, और आपको सेगमेंट में अच्छा स्पेस मिलता है भाई इसमें। अपोस्टलिटी इसकी देख सकते हो, सेमी लेदराइट अपोस्टलिटी है इसकी, बढ़िया सीट दी गई है, और हेडरेस्ट आपके देखो नया टाइप में दिया गया है, छोटा हेड नहीं है, काफ़ी बड़ा है तो जॉइंटी पर थोड़ा बड़ा दिया गया है बिल्कुल भाई। पीछे भी स्पेस मैंने आपको बता दिया, एक बार आप चेक और कर सकते हो फिलहाल इसमें कि अच्छा स्पेस दिया गया है। इसके डोर हैंडल्स देख लो अंदर से, वही सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं, रियर AC इवेंट्स भी मिल जाते हैं। अब कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शन की बात, इस 4 सिलेंडर 1.2 CC का मिलता है, और भाई जो आपको पेट्रोल में भी मिलेगा, CNG में भी ऑप्शन आएगा इसका, CNG में भी ऑप्शन देगी भाई Hyundai ने, ये ठीक भाई आजकल CNG का भी चल रहा है दौर, तो इसलिए CNG भी ऑप्शन दे रही है। और ये कुछ इंजन आपको बता दिया मैंने, 1.2 4 सिलेंडर इंजन देगी, काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करेगा,
और ये भाई आपको इंजन अपनी ग्रैंड आई 10 नियोस में भी देखने को मिलता है, सीएनजी में भी मिलता है। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा कापा इंजन के साथ और मैनुअल ही मिलेगा सीएनजी में। भाई पेट्रोल में एक और मिल जाएगा आपको ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होंडई देती है अपने को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जिसमें भाई जो सिटी रन के हिसाब से वो रन कर सकते हैं सिटी में, उस हिसाब से आपको ये दिया गया है। मतलब होंडई ने किसी चीज़ में इसमें कसर नहीं छोड़ी, गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। और एक बार आप इसका पीछे से फिर रुक देख लो गाड़ी का भाई, मतलब मैंने तो बढ़िया, जो सिटी में भीड़ भाड़ इलाके में चलाना चाहते हैं और छोटी गाड़ी और एसयूवी टाइप में लेने, और जो होंडई के फैन थे वो गाड़ी ले सकते हैं। ये एस्टर गाड़ी मतलब एक नंबर की निकाली है होंडई ने भाई, भाई अच्छी निकाली है। चलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अगर आपको एस्टर भी अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी एक लाइक ठोक देना वीडियो पे। और ऐसी चीज की अपडेट और नॉलेजफुल वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और अपना सपोर्ट दिखाएं थोड़ा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।